देखो हमारी व्लॉग। तो गाइस अभी हम लोग है ना कराची से भावलपुर जाने वाले हैं, तो अभी हम लोग तैयारी कर रहे थे। तो अभी हमें हम लोगों ने एक चीज देखी है। तो आज के व्लॉग में हम लोग जा रहे हैं कराची से भावलपुर। तो हम आपको दिखाएंगे कि हम लोगों ने यहाँ से वहाँ जाते वक्त क्या क्या चीजें देखी। तो अभी और ईद मिलने, तो अभी शुरू करते हैं। तो गाइस अभी हम लोग हाईवे में है, मैं आपको दिखा दूंगी हाईवे में क्या क्या चल रहे। ये देखे आप गाइस, अभी हम लोग रुके हुए थे, अभी हम लोग हैदराबाद पहुंच चुके हैं और अभी हम आए हुए हैं यहाँ पर। तो ठंडी हवा लेने क्योंकि मेरे पाँव थक गए थे बैठ बैठ के गाड़ी में। तो अभी हम लोग फिलहाल के लिए यहाँ पर है, तो अभी हम आपसे बाद में मिलते हैं, ज़रा हम लोग खाना खा ले। तो गाइस हम चिनमैन पर उड़ चुके हैं और ये देख सकते हैं आप लोग, अभी दिखाते हैं कि होटल में हम लोगों ने खाने में क्या क्या पकाया है, मतलब कि लोगों ने क्या क्या बनाया। अभी हम लोग अंदर आ चुके हैं और अभी हम लोग खाना खाएंगे, फिर आपसे बाद में मिलते हैं। फारिग हो चुके तो अभी हम लोग है ना, अभी आपको हम लोग दिखाते हैं कि जो हम स्टेशन पे रुके हुए हैं वहाँ का पार्क कैसा है। तो चलिए हम आपको अभी दिखाते हैं। गाइस अभी हम पहुंच गए हैं पर ये पार्क। तो गाइस ये है पार्क, ये देख सकते हैं आप, चेहरे वेरे लगी हुई है। ये पार्क है और ये भी पार्क है, पता नहीं कहाँ से इनको भी तो ये देखो ये पार्क आ चुका है। बड़े बड़े पौधे की देखो इतना बड़ा, पता नहीं कहाँ हो सकता पार्क। तो ये देख सकते हैं छोटा सा प्यारा सा एंट्रेंस और जाने का रास्ता बना हुआ है। और ये बाकी का प्लॉट एरिया, ये देखिए ये देखिए फ्लावर भी यहाँ पर लगा हुआ है। ये है सनफ्लावर जो मधुमक्खियाँ जिससे अपना शहद निकालती है, ये वही है, इसमें खुशबू नहीं होती। गाइस ये बस एक मोम। गाइस ये आ चुका है, अभी बाग आ चुके हैं, खेत आ चुके हैं। जो बीट होती है ना ये उनके खेत है जिनसे डबी रोटियां बनती है और रोटियां बनती है, देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे भी माहौल इंजॉय करो।
गाड़ी से हम लोग पहुँच चुके हैं। तो अभी अपने घर पहुँच चुके हैं गांव में, एक टाइप का वही है। और आज का व्लॉग मैं एंड कर रहा हूँ। अगले व्लॉग में आपको कजन से मिलो, कजन से। हाँ, ये है मेरा कजन। अस्सलाम वालेकुम। और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और शॉपर निकाले ना।